मैं अपने बाल कैसे स्टाइल करता हूँ वो मैं आज बता रहा हूँ। और मेन चीज ये है कि अपने बाल आपको डैमेज नहीं करने। तो सबसे पहले एक हेयर ड्रायर से पहले आपको एक हीट प्रोटेक्टर यूज करना है। अब इसमें आप आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल या कोई भी यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली पता क्या यूज करता हूँ, एलोवेरा जेल। ये आपको बस थोड़ा सा लेना है और इसको बस अच्छे से रब करके अपने बालों में लगा देना है। हीट प्रोटेक्टिंग का काम हो जाएगा ब्रो। बेसिकली आपके जो बाल खराब हो जाते हैं ड्रायर से वो नहीं होंगे। और सेकंड स्टेप आपको पता ही है, तो इसको आपको बस ऐसे ऐसे करके इसको ट्राई करना। आपको ये कॉम यूज करके, ये ड्रायर यूज करके अपने बाल इस तरह सेट कर लेने जैसे आप देख पा रहे हो। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे आप लगाते हो हेयर वैक्स, हेयर जेल, ये वो सब कुछ। के अंदर सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है जो बाल को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। मैं क्या यूज करता हूँ, सी सॉल्ट स्प्रे। ये मैं एम लेवल का यूज कर रहा हूँ, मतलब कोई पेड प्रमोशन नहीं है मेरे भाई। ये बस मैं हल्का सा स्प्रे करा और बाल को थोड़ा स्टाइल करा, दैट्स इट। ये थोड़ी वेट लुक आ जाती है एंड आपके बाल फिक्स रहते हैं। बट अगर आपको किसी पार्टी में जाना है जहां पे लटके झटके ऐसे मारने और आपके बाल इस तरह खराब होने वाले हैं, तो मैं आपको ऑब्वियसली बातें सजेस्ट करूंगा हेयर स्प्रे, हेयर क्ले, हेयर वैक्स, जो भी आपको सूट करे वो लगाओ। बट उसका भी एक अलग स्टाइल है। जैसे ये क्ले है, अपनी ये उंगली से आप इस तरह निकालो ताकि आपके नेल्स के अंदर ना जाए। उसको आप अपने हाथ पे इस तरह डालो और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को नहीं पता, हेयर ड्रायर करो। अब ये थोड़ा पिघल जाएगा, इसको अच्छे से रब करो पीछे से लगाते लगाते मेरे भाई। अब बाल अपने पूरे के पूरे सेट कर दो, अब ये आ जाएगी ना नेक्स्ट लेवल लुक। यही टेक्निक फॉलो करके अपने बाल आप स्टाइल करो, मुझे टैग करो। मेरे को अगर हेयर स्टाइल आपका पसंद आया आपको मैं स्टोरी में टैग कर दूंगा। सेकेंडली यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि भाई हमारा कनेक्शन कभी ना टूटे। अगर तुम्हें जेन्युइनली बड़ी पसंद आई ये वीडियो, शेयर तो करो ही करो। बाकी ऐसी वीडियोस में डालते रहते यूट्यूब पे, ब्लू लिंक है इसके ऊपर क्लिक करो, मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। वहां जाओ बंदर बात करो वहां की वीडियोस का। और मेरे भाई जरूर ये याद रखना कि कमेंट नीचे करो और डीएम करो, तभी तो मेरे को पता लगेगा प्रॉब्लम क्या आ रही है, तभी तो मैं आईजीटीवी वीडियो बनाऊंगा।